हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो दिन है शनिवार और अभी फिलहाल हूँ मैं नैनीताल में। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। कल हम जाएंगे आगे कैंची धाम। कैंची धाम जाएंगे, बाबा के दर्शन करने हनुमान जी के, और उसके बाद फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं। अभी देख लो मछली, देखो हम मछली बहुत हैं, कितनी सारी मछलियाँ। तो दोस्तों अब चलते हैं कैंची धाम। नहा धो तो लिए हैं, आप रूम पर चल के फिर चलते हैं। तो गाइस अभी हम कैंची रास्ते में हैं, कैंची धाम पहुंचने वाले 10 किलोमीटर दूर है यार, क्योंकि तो केला ले रहे हैं, अभी भूख लग रही है। ये नई स्कूटी दोस्तों, अभी हम हैं कैंची धाम मंदिर के बाहर, नील और नील प्रसाद को ले लिया, पहुँचने वाले हैं मंदिर। दिखाता हूँ फिर वहीं चल के मंदिर की तरफ अपडेट। हिलो रिल दोस्तों, बाबा जी के दर्शन हो गए हैं, प्रसाद भी ले लिया, प्रसाद चढ़ा भोग भी लगा दिया है। अब अंदर वीडियो और फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, सही बात है, होनी भी नहीं चाहिए भगवान जी के दर पर। बाकी आप बाहर से देख सकते हो क्या चीज धाम। तो आ गए हम कौन सा मंदिर है, घंटे वाला, घंटे वाले मंदिर पे, गोराखाल में है मंदिर। गाड़ी हमने अपनी खड़ी कर दिया। चलो, इसकी मान्यता ये है कि जो अपनी विश मांगता है और उसकी विश पूरी हो जाती है, घंटा चढ़ा के जाता है, ठीक है, घंटा जो भी हो, चलो। इसमें कई लाख घंटे हैं, कई लाख। देखो जी कितने घंटे है ना, सब उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है वो घंटे। दोस्तों मैंने बताया कि जैसे कि यहाँ की मान्यता है कि श्रद्धालु अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं, चिट्ठी में लिखते हैं, और चिट्ठी में लिख के धरती बन जाते हैं। देखो जब सबने बहुत लिखी हुई है, देखो ये जमीन का अपना लिखा हुआ है, हर तरह की प्रॉब्लम है, कुछ नहीं सर, इतनी सारी प्रॉब्लम है जमीन, ये प्रॉब्लम सोल्व भी हुई हैं। यहाँ की ऐसी मान्यता है ये सोल हो जाती है, उसके बाद दोबारा घंटी बांध जाते हैं। ये मंदिर घोराखाल में है, भीमताल से ऊपर है, कभी आपका आना हो तो आ सकते हो, अच्छा मंदिर है। जय माता दी। वैसे भूख लगाई थी, अब मंगा लिए चावल, राजमा चावल आ गए, थोड़ा खा के खाएंगे। हाँ भाई लो, पहले चावल खा लेते हैं, आ जा खा ले। हाँ एक वीडियो फेमस हो गया, तू भी हो गया। तो हम घोड़ाखाल मंदिर होते हुए मुक्तेश्वर महादेव के मंदिर पर आए, और वहीं उसी के साथ में ये जगह है चौली की जाली, बहुत अच्छी जगह है, कोई भी आ सकता है, बहुत ब्यूटीफुल और सुंदर, इतनी सुंदर है
बल्कि कोई आ जाना तो मन यहाँ से जाने का मन नहीं करता। इतने हरे भरे पहाड़ हैं यहाँ पर, ग्रीनरी का ही ना कर उसका कोई जवाब नहीं। मनमोहक दृश्य है बिल्कुल। यहाँ पर छोटू ने ये क्लाइंबिंग करी, रॉक क्लाइंबिंग बोलते हैं इसको। ये बांद्रा है, ये इस सिरे से पुलिस सिरे पे कम से कम इसके इससे 400 रुपए लिए थे। पीछे देखो, पीछे फिर हम चोली की जाली के बाद आ गए हम भालूगढ़ वाटरफॉल। वहाँ हमारी बैटरी डाउन हो गई थी। ये भालूगढ़ वाटरफॉल है इसलिए हमने ज़्यादा वीडियो बना भी बना पाए। ये भी बहुत अच्छी जगह है, आप आ सकते हैं। मुक्तेश्वर नीचे आएंगे तो ये मिल जाएगी आपको रास्ते में, बहुत अच्छा वाटरफॉल है। उसके बाद फिर हम जाएंगे सीधे भीमताल। भीमताल में, भीमताल हमने रूम ले लिया और रूम में अपना खाना भी नहीं चल रहा। ये रूम है भाई अपना, देख रहे क्या दिक्कत है। ये आम लिए यार यहाँ से, आम है खाते हैं, पक जाएंगे सुबह खाएंगे। चल रही है फिल्म अपनी, कौन फिल्म चल रही है ये? तुम सर्विस रेस्टोरेंट का बात, खाना वाना मंगाना तो ऑर्डर कर लो। चलो ठीक है, बाहर का व्यू दिखाता हूँ मैं, साउंड माउंटेन है ठीक है, ये इधर मार्केट। तो दोस्तों इस व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हम कल कहाँ जाएंगे तो नेक्स्ट डे मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है? तब तक ले बाय।